गुड मॉर्निंग। तो कहाँ जाने मनु भाई? हम जा रहे हैं ताबो मिनिस्ट्री, ओल्ड मिनिस्ट्री, 1000 साल पुरानी है। चलो टाइम हुए हैं तकरीबन 9, और क्या सही से धूप निकल आई है। रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे और खाए पिए सो गए थे, तो बस अब निकले हैं मिनिस्ट्री के लिए। झूले आंटी, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल, दोनों ही हो गया ना? दोनों हो गया, झूले भी हो गया, कृष्णा को भी याद कर दिया। वो है क्या घूमने वाला जो सोलह से घूमता है? तो ये है ताबो मोनेस्ट्री। तो इसके बारे में बताओ ना, तो ये मोनेस्ट्री स्पीति घाटी की 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, जो 1996 AD में राजा यशेओ के मतलब जो शासनकाल में बनाई गई थी। और ये इंडिया की सबसे प्राचीन और अभी तक एक्टिव बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में इसको खिताब हासिल है। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थानका पेंटिंग्स थे ना, जैसे अजंता एलोरा में नेचुरल पेंटिंग्स की थी, तो यहाँ की जो पेंटिंग्स को कहते हैं थानका पेंटिंग्स, वो आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। और यहाँ पे कुछ बहुत सी पुरानी बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं, और भी कई पांडुलिपियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। कुछ फ़ोटोज ऐसी हैं जो 10वीं से 11वीं शताब्दी की हैं, और कुछ 17वीं शताब्दी की फ़ोटोज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो अजंता एलोरा में जैसे पेंटिंग्स है ना, जो नेचुरल कलर्स वहाँ यूज़ किए गए थे, उसी टाइप की पेंटिंग्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी करने से ये जो नेचुरल कलर्स होते हैं ये धीमे धीमे ख़राब होने लग जाते हैं। इसलिए आप यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ आराम से इसका मज़ा लीजिए। दूसरा कि ताबो मोनेस्ट्री में जो पहुँचा रास्ता यार बहुत टफ है, और तकरीबन इसकी जो हाइट है वो 10,000 फीट है। तो ये कुछ फैक्ट फिगर्स थे इसके बारे में। तो ये है मोनेस्ट्री का ओल्ड वाला पोर्शन, ये देखिए, जो कि मड और रॉक स्टोन से बीच के मिल के बनाया गया, काफ़ी अच्छी तरह से इसको प्रिजर्व कर रखा है लोगों ने। ये बेसिकली जो मोनेस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये है ओल्ड मोनेस्ट्री, और जैसे आगे पार्ट आएंगे मैं आपको उसका बताता रहूँगा। अभी कोविड के वजह से यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं आने लगे हैं, और कुछ धूप बहुत तेज है। देखिए तो पहाड़ों की गोद में स्पीति रिवर के बैंक में बना हुआ,
यहाँ शायद नमाज वगैरह रहते हैं, लेकिन अभी सब कुछ ये बंद है। तो अभी हम हैं ओल्ड सेक्शन मोनेस्ट्री के। धूप बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ही सत्वा टेम्पल। मंदिर लगभग सभी बंद है यहाँ पे, और जो मॉन्क्स भी हैं यहाँ है नहीं, किसी और जगह शायद गए हुए हैं ये लोग। तो धूप तेज, ऊपर से मास्क और स्टेमिना नहीं है तो चलने में बहुत दिक्कत है। यहाँ जब भी आप आते हैं ना, स्पेशली इस टाइम में, तो अच्छा है कि SPF वाला सनस्क्रीन जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ टैनिंग होना कॉमन है। ये पूरा मड और छोटे पत्थरों को तोड़ के इसको मिला के गारे से बनाया हुआ है। एकदम बंजर पहाड़ों के बीच में सीधा गोल्डन टेम्पल, ये यहाँ है। ये है यहाँ का गोल्डन टेम्पल। एक्चुअली यहाँ पे भी चंडीगढ़ भी है, छोटा चंडीगढ़ विलेज है यहाँ पे हिमाचल में, तो कंफ्यूज ना हो। अंदर तो कम ही होना है। जूते पहन के खुलना है, जूते जूते तो उतारना पड़ेगा। अच्छा, तो ये था गोल्डन टेम्पल। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी उस जमाने की पेंटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैंने नहीं दिखा पाया। बाकी बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है।
ईजियर है। ताबो का जो फॉरेस्ट एरिया या सिटी कह लीजिए, यहीं गाड़ी पार्क करते हैं और आगे जाते हैं। हमारी गाड़ी यही सामने एक SBI का बैंक है, लेकिन कोई जगह चलता नहीं है वो भी, तो बेटर है कैसा सामने से ही निकाल लीजिए। वाह वाह, मुन भाई मेरे को सेंटर करवा देते हुए। देखिए ये है पूरा, तो अब हम जा रहे हैं केव्स की ओर। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर ऊपर है केव्स। ऑक्सीजन की कमी के कारण चंद 200 मीटर में बहुत भारी लगता चलने में। यहाँ पुराने टाइम में ये लामास रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ ये लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। केव सभी लगभग खाली ही हैं। सेम ऐसी केव्स हमने देखी थी आर्मेनिया में।
ये है पुरानी मोनेस्ट्री जहाँ हम जाके आए थे। नई मोनेस्ट्री का जो कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ से, और ये है पूरा ताबो विलेज पहाड़ों के गोद बना हुआ। तो उस मोनेस्ट्री से पहले ये लोग शायद यहाँ अपनी जो तपस्या साधना भक्ति जो भी करते होंगे, और ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है और आज भी देखिए वैसे ही मस्त बनी हुई है गारा, और यहाँ टेम्परेचर भी बड़ा सही सा लग रहा है वेंटिलेशन के लिए। पूरा ही मड और मड रॉक से बनाया हुआ है, और जितनी भी छतें हैं सब लकड़ी से बनी हुई है। हालांकि शायद ये तो दोबारा कंस्ट्रक्ट की है इन लोगों ने। बाकी देखिए चले, तो ताबो में हमने ओल्ड मोनेस्ट्री देख ली, केव्स देख ली, मार्केट देख लिया। इसके अलावा कुछ यहाँ और देखने को है नहीं, और धूप भी यार बाय गॉड बहुत तेज है। तो बस अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन के लिए, या तो अब हम पिन वैली रुकेंगे या फिर काजा, क्योंकि अब यहाँ रुकने का मतलब नहीं है। यह है पूरा रास्ता केव्स की ओर आने के लिए, एकदम ओल्ड मोनेस्ट्री के सामने है। अगर आप ये इस टाइम यहाँ आते हैं तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन ज़रूर लेके आएं, क्योंकि मैं जैसे बताया था कि यहाँ जो एयर है बहुत थिन है और यहाँ सन बहुत हार्श है, तो उसकी जो रेज डायरेक्ट सन पर आपकी स्किन पर गिरती हैं और आपको टैनिंग इतना ज़बरदस्त कर देंगे कि महीनों महीनों टैनिंग नहीं निकलेगी। पूरा पहाड़ों की गोद में बना हुआ ताबो विलेज या ताबो वैली कह लीजिए इसको। यहाँ पास में एक माने विलेज भी है, लेकिन वहाँ हर चीज़ जाने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ट्रैकिंग करने का। वहाँ पर अगर आपके पास में एक दिन स्पेयर है तो आप वहाँ जा सकते हैं। वो धनकर से थोड़ा पहले है, वहाँ क्रिस्टल केव्स और एक बड़ी लेक है, लेकिन अगेन उसके लिए आपको 2-3 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। मेरे साथ वाले भी ट्रैकिंग के बिल्कुल मूड में नहीं, और थोड़ा मेरा ये ऑफिशियल ट्रिप भी होने के कारण समय की पाबंदी भी मेरे पास में काफ़ी है इस बार। ये मुन्नू भाई हमारे स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, ये खाने में लोहे का लोहा खाते हैं तो थकते नहीं हैं। वो दिखा रहे हो मुन्नू भाई, वो बंजारा का दिखा रहे हो। चलो
ऊपर है केव्स। अच्छा मोड़ लो फिर मुड़ना पड़ेगा।